आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हेलो एवरीवन, द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मटेरियल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आने वाले अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं? एक तो ब्लड को, सेकेंड हार्ट, एंड थर्ड है ब्लड वेसल्स। ब्लड की बात करेंगे। ब्लड एक रेड कलर का टिश्यू है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लड? ब्लड इज़ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ द लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड इसलिए क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, कनेक्टिव इसलिए क्योंकि बॉडी के हर ऑर्गन को वो कनेक्ट करता है, मोबाइल इसलिए क्योंकि मूवेबल है, बॉडी के अंदर पंप होता है हार्ट के द्वारा, और टिश्यू इसलिए क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती है। हालांकि मैं ब्लड के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्लड की कंप्लीट डिटेल दूंगा, ब्लड के सेल्स की, ब्लड के कॉम्पोजिशन की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ब्लड के कॉम्पोजिशन में ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो ब्लड प्लाज्मा है इट इज़ ऑफ 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें 80-90% वाटर होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये सब ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं 45% है। इसमें ब्लड की सेल्स आती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या RBCs, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBCs, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सो दीज आर द ब्लड सेल्स विच आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है रेड कलर का, यही कारण है कि जो ब्लड का कलर है वो रेडिश होता है। इसके अलावा हार्ट के टॉपिक को, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर कार्डियक मसल के द्वारा बना हुआ ऑर्गन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। बच्चों, मैं ब्लड के लिए एक डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगा और ब्लड वेसल्स के लिए भी अलग वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लोज्ड मैनर में इनसाइड द ब्लड वेसल्स फ्लो होता है। ओके, तो हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम बात करेंगे आर्टरीज की। जो आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल थिक होती है, इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, और जो ब्लड है वो इनमें स्पीडली फ्लो करता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड लेते हैं वेन्स। वेन्स जो हैं इनकी जो वॉल होती है थिन होती है, जो इनका ल्यूमेन होता है जो ब्रॉड होता है, वेन्स का जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड होता है, वॉल इनकी थिन होती है, और इनके अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। यानी कि जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर बच्चों इस तरीके से, जैसे ये वेन है मान लो, तो इस तरीके से वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो क्या करती हैं, अच्छा, वेन्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होता है, तो ये जो वॉल्व हैं ये बैक फ्लो को रोकते हैं, मतलब ब्लड को पीछे नहीं जाने देते इस तरीके से। ठीक है, और एक और बात, जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी टिश्यूज़ टू द हार्ट। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जो दोनों लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और लेफ्ट ऑरिकल में, एट्रियम में पोर करती हैं। फिर लेते हैं कैपिलरीज। जब आर्टरीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ तक पहुंचती है, तो वहां पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट सेल्स या टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती है, तो आर्टरीज की ब्रांचिंग होती है, तो वो आर्टेरियोल्स में एंड देन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं,
और इनके बीच बीच में इनकी वॉल के अंदर पोर्स भी होते हैं, तो जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट होता है और जो फ्लूड है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है, और उस इंटरस्टिशियल फ्लूड के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है सेल्स के अंदर, जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं सेल के अंदर, और जो सेल से जो CO2 निकलती है या जो वेस्ट निकलता है वो डिफ्यूज़ होकर इंटरस्टिशियल जो फ्लूड हैं उनमें आ जाता है, और वापस जब कैपिलरीज कंबाइन होती हैं तो वो वेन्यूल बनाती हैं और देन फिर वेंस बनाती हैं। तो कैपिलरीज क्या है, आर्टरीज के ब्रांचिंग से बनती हैं और इनके वापस से रिकम्बाइन होने पर वेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैपिलरीज के द्वारा सपोज करिए कि जैसे मान लो ये एक कैपिलरी है और यहाँ मान लो कोई सेल है या टिश्यू है, तो और ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है तो स्क्वीज आउट होगा ब्लड, जो फ्लूड है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाएगी, न्यूट्रिएंट सेल के अंदर चले जाएंगे, और सेल से जो वेस्ट है या जो CO2 है वो निकल के इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर जो स्पेसेस का जो फ्लूड है वहाँ चला जाएगा, और ये फ्लूड वापस से कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा और कैपिलरीज वापस से रिकम्बाइन होगी, वेन्यूल बनाएंगी, देन वेंस बनाएगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने ब्लड वेसल्स का। डिटेल वीडियो नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें ब्लड के टॉपिक को और ब्लड वेसल्स के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने नेक्स्ट जो वीडियो देना है आपको वो ह्यूमन हार्ट का देना है और उसके मैकेनिज्म का, उसके जो वर्किंग है हार्ट की उसके लिए देना है। तो नेक्स्ट वीडियो होगा ह्यूमन हार्ट के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे वो वर्क करता है। थैंक यू।